मेरा सुधीर कुमार राय। सुधीर जी आज कहाँ आए थे, क्यों आए थे आप लोग? मैं माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ आया था और माननीय डीएम साहब के यहाँ आया था ताकि हमारा जो दुर्गा कुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पुद्दार ब्लाइंड स्कूल है उसको बंद कर दिया गया सन 2020 में मार्च में गलत तरीके से, इसको चालू कराया जाए। इसको लेकर आप लोग आंदोलन भी दे रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आज जिलाधिकारी महोदय से भी मुलाकात हुई आपकी। जी क्या कहा जिलाधिकारी महोदय? जिलाधिकारी महोदय ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मैटर कोर्ट में है, तुम जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं सर से और भारत काशी की जनता से, भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ कि जब तक कोर्ट में मैटर है ठीक है मैं इसको मानता हूँ, लेकिन इस स्कूल को गलत तरीके से बंद किया गया उस पर आप क्या कह रहे हैं? इस स्कूल को गलत तरीके से इस प्रकार बंद किया गया कि 17 जून सन 2020 को स्कूल का मीटिंग हुई, उसके बाद 10 दिन के अंदर बच्चों के घर पर टीसी मार्कशीट भेज दी गई। ये गलत है। आप स्कूल जब भी बंद करेंगे कोई एक साल पहले गार्जियन और स्टूडेंट और कमेटी तीनों मीटिंग करती है, उसके बाद बोर्ड को नोटिस देती है कि स्कूल को बंद करिए। ठीक ना? और अन्यत्र पढ़ाई की भी बात डीएम साहब ने आपको बोली कि आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, क्या कुछ एक बात बताइए। डीएम साहब को बोलिए अपने बच्चे का एडमिशन मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल में कराने, क्या दिक्कत है? वहाँ भी स्कूल हम पढ़ा देंगे अच्छे से, सबका अधिकार है कौन कहाँ पढ़ेगा, किसकी कहाँ इच्छा है पढ़ने की नहीं है, वो डीएम साहब नहीं तय करेंगे, वो व्यक्ति तय करेगा। आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी इस बात पे पूछ रहा हूँ, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो इस बात पे बोला जाए। ठीक है लेकिन पढ़ाई बाधित नहीं होगी मानता हूँ मैं, लेकिन मैं कहाँ पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा ये कोई दूसरा डिसाइड करेगा कि मैं करूँगा, ये बताइए। क्या चाहते हैं आप लोग? इस स्कूल को सरकार अपने अंडर में लेकर पूरी तरीके से चलाए, पहली से बारहवीं तक जिस तरीके से स्कूल चल रहा था उसी तरीके से चलाई जाए, और जो जो लोग चाहे वो शासन प्रशासन के अधिकारी हों साइट कमेटी के मेंबर हों, जिन जिन लोगों ने इस स्कूल को जबरदस्ती और असंवैधानिक तरीके से बंद किया है इसको उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस स्कूल को चालू कराया जाए। कमलेश चंद्र त्रिपाठी एडवोकेट। कमलेश जी आज यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ आना क्यों हुआ, जानिए आपके साथ। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जो अंध विद्यालय संचालित होता है दुर्गा कुंड पर, उसको एक ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट में जालांस और खेमका ऐसे जो व्यवसायी हैं वही लोग उसमें पदाधिकारी हैं, और सुनियोजित साजिश के तहत उस ट्रस्ट में जो अनुदान आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से 75% उसको रोकने के लिए 2017 से उसकी ऑडिट नहीं कराई गई और उसका जो अकाउंट से उसको मेंटेन नहीं किया गया, वो अनुदान बंद हो गया और ये 25% ये लोग देते थे, उस अनुदान को बंद करा करके अपनी असमर्थता दिखा करके विद्यालय बंद कराया जा रहा है ताकि वो जो भूमि है जिस पे विद्यालय चलता है व्यावसायिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है उस पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। और ये जो बच्चे हैं ये 21 दिन से धरने बैठे हैं, ये अंधे हैं, अब ये समाज में व्यवस्था में प्रशासन से सर्वाधिक सहानुभूति के और अधिकार के हकदार हैं ये, लेकिन ये दर दर भटक रहे, इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। डीएम साहब से कह रहे हैं तो डीएम साहब का कहना है कि नहीं हाईकोर्ट में मामला प्रीजुडिस है, जबकि आप 70 विभागों के हेड हैं, ट्रस्ट में अनियमितता आप उसकी जांच कर सकते हैं, ट्रस्ट नहीं सही चल रहा है तो आप उसका अधिग्रहण कर लीजिए ना, आप अपने अंडर में लेकर चलवाइए उसको, लेकिन विद्यालय तो चले। अब आप कह रहे हैं कि इन बच्चों को हम दूसरी जगह भेजेंगे, यानी सन 72 से जो विद्यालय चल रहा है उसको ये बंद करने की साजिश की जा रही है इन व्यवसायियों द्वारा। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई? बिल्कुल मुलाकात हुई, सारे लोग सिर्फ हाई कोर्ट को बता करके पल्ला झाड़ रहे हैं, अपने अधिकार कर्तव्य में जो हस्तक्षेप करना है कि नहीं ये ट्रस्ट है इसमें अनियमितता हुई है इसको हम इसका हम टेक ओवर कर लें और ट्रस्ट का हम संचालित कर रहे हैं, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो आप उसको ओवरटेक कर लीजिए ना, टेक कर लीजिए उसको फिर चलाइए। पढ़ाई बाधित नहीं होगी, कई अन्यत्र हम विद्यालय में दाखिला भी देने के लिए बात कर रहे थे। नहीं, ट्रस्ट के कुछ लोग, मान लीजिए कोई ट्रस्ट गठित हुआ है समाज सेवा के लिए और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं कि नहीं हम इसके द्वारा ट्रस्ट की जमीन कब्जा कर लें, ट्रस्ट की जो संपत्ति उसको कब्जा कर लें, तो आखिर कौन हस्तक्षेप करेगा? डीएम ही तो करेंगे, इनके पास तो राइट है। इनके पास क्या बचा? कुछ नहीं। अभी इनकी बातें कोई सुन रहे थे भी, इनके रास्ता क्या बताएं? अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभी जब कोई नहीं सुन रहा है। अरे डीएम कमिश्नर तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, आप उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि हैं और आपसे अगर इनको मदद नहीं मिल पा रही, प्रधानमंत्री जी हैं आप दिव्यांग की बात करते हैं, विकलांग की बात करते हैं, और ये काशी में उन्हीं प्रधानमंत्री क्षेत्र की दशा स्थिति ये है, 150 जो जनमान थे बेचारे ये लोग ये सड़क पर बैठे हैं, इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये इनका धरना चल रहा है, आगे देखा जाएगा और उनको धरना प्रदर्शन कैसे कराया जाए ताकि इनकी बात सुने, इनका कल्याण हो सके।